द्वंद प्रकृतियों में आज हम बात करेंगे दूसरी प्रकृति की, अर्थात पित्त और कफ प्रकृति के जो मिक्सचर वाले लोग होते हैं उनके, पित्त कफ वाले। अब इसमें भी दो तरह के लोग आपको मिलेंगे, पित्त डोमिनेंट कफ, मतलब थोड़ा सा उनकी बॉडी में पित्त ज्यादा और कफ कम होगा, या फिर कफ डोमिनेंट पित्त, ऐसा हो सकता है जिनके शरीर में कफ ज्यादा हो और पित्त थोड़ा सा कम हो। तो हम बात करेंगे मिक्स प्रकृति में पित्त कफ या कफ पित्त प्रकृति वाले लोगों की। एक विशेष बात देखने मिलती है कफ पित्त या पित्त कफ प्रकृति वाले लोगों में कि पित्त और कफ के जो गुण जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो स्नेह वर्ड है, पित्तम स स्नेह करके है कि पित्त के पास भी स्नेह है और कफ के पास भी स्नेह है। तो ऐसे लोग जो स्नेह वाले हैं, अर्थात जिनकी बॉडी ज्यादातर गर्म और ऑयली रहती है, वो पित्त कफ वाले नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको पहले हम समझ लेते हैं कि पित्त और कफ का मतलब क्या हुआ। पित्त मतलब हम समझ लेते हैं वाटर। पित्त को रिप्रेजेंट करने वाले दो महाभूत हैं, एक तो है अग्नि और जल। अग्नि और जल का जब कॉम्बिनेशन होता है या वो जब जुड़ते हैं तो शरीर में पित्त बनता है। और जल और पृथ्वी अर्थात पानी और मिट्टी जब मिलता है तो वो कफ को बनाता है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें तीन चीजें हुई, आग हुआ, पानी हुई और मिट्टी हुई। ये तीन महाभूत कफ और पित्त प्रकृति वालों में ज्यादा करके डोमिनेट मिलेंगे। और इसमें जल महाभूत जो पानी है वो ज्यादातर दिखेगा, क्योंकि पित्त जब बनता है तो उसमें भी जल है और जो कफ बनता है उसमें भी जल है। तो ऐसे लोग जिनके अंदर जल वाटर के गुण है वो ज्यादातर पाए जाएंगे, या जिनके शरीर में पानी वाले गुण ज्यादातर पाए जाएंगे, उन्हें हम पित्त कफ या कफ पित्त वाला कह सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पित्त कफ वाले या कफ पित्त वाले लोगों का शारीरिक स्ट्रक्चर कैसे होता है, शारीरिक हाव भाव या वो कैसे दिखेंगे, और आप किस तरह पहचान सकते हैं कि आप खुद कफ पित्त प्रकृति के या पित्त कफ प्रकृति के हैं या नहीं। तो कफ पित्त वालों में या पित्त कफ वालों में सबसे जो कॉमन चीज देखने मिलेगी वो है स्निग्धता या फिर ऑयलीपन या फिर गीलापन। तो ऐसे लोग जिनके जो बाल हैं वो चाहे कम हो या ज्यादा हो, कफ डोमिनेंट रहेगा तो बाल ज्यादा रहेंगे, पित्त डोमिनेंट रहेगा तो बाल कम रहेंगे, पर बाल चिकने हैं, स्निग्ध है। ऐसे लोग जिनके बाल स्निग्ध है, कम हो या ज्यादा हो वो मैटर नहीं करता, और जिनकी स्किन, जिनकी जो त्वचा है वो हमेशा स्निग्ध है, चिकनी त्वचा है। जिनके नाखून नख है वो चिकने होंगे, होंठ चिकने होंगे, या नॉर्मल भाषा में कहें तो जो ऑयलीपन होगा, तैलीपन दिखेगा ऐसे लोग। और दूसरा एक लक्षण जो हमें इनमें विशेष देखने मिलेगा वो है गीलापन सबसे ज्यादा दिखेगा, अर्थात पसीना सबसे ज्यादा ऐसे लोगों को देखने मिलेगा। अर्थात ऐसे लोग जिनका शरीर स्निग्ध है, ऑयली भी है, जिन्हें पसीना भी बहुत ज्यादा आता है, हमेशा हाथ पैर में गीलापन होते रहता है, या उन्हें स्वेट बहुत होता है जेनिटल एरिया, जननांगों के पास, या फिर अंडर आर्म्स जो कुछ है, जिन्हें बहुत ज्यादा पसीना स्वेद निकलता है, इस तरह के लोग। एक और लक्षण इनमें देखने मिलेगा कफ पित्त या पित्त कफ वालों में कि उनकी जो सभी चीजें हैं वो ज्यादातर सॉफ्ट मिलेंगी। उनकी मतलब जो स्किन है वो भी सॉफ्ट होगी, उनके जो गाल हैं, जो भी उनके जो शरीर के स्ट्रक्चर है वो ढीले और सॉफ्ट मिलेंगे, या मृदु, ये जो गुण आयुर्वेद में कहा गया है वो ज्यादा देखने मिलेगा। तो बाल जो थे वो चिकने उनके ज्यादा दिखेंगे, स्किन जो है वो ऑयली और चिकनाहट भरी ज्यादातर देखने मिलेगी, आंखों के अंदर भी स्निग्धता हमें ऐसे देखने मिल सकती है, उनका पूरा शरीर स्निग्ध ऐसे ज्यादा रहेगा। जिनका पाचन से अगर हम बात करें, हाथ पैर सभी ऑयली ज्यादा रहेंगे, पसीना ज्यादा आएगा और सॉफ्ट रहेंगे, ये तीन विशेष गुणों का आप ज्यादातर इन प्रकृतियों में हमें देखने मिलेगा। पाचन में हम बात करें तो ऐसे लोग जिन्हें तेल से भी तकलीफ होती है और घी से भी तकलीफ होती है, जी हाँ, ऐसे लोग जिन्हें कुछ भी तेल वाला या कुछ भी स्निग्ध चीज उन्होंने खाई तो उनके पाचन में उनको तकलीफ होती है, पर ऐसी चीजें जो रूखी नेचर की हैं वो उनको बहुत सुटेबल करती हैं, अर्थात ऐसी चीज जो शरीर में गीलापन कम करने का काम करती है वो उनको बहुत अच्छा लगता है, खास करके शहद। ऐसे लोग जिनको शहद या शहद के प्रोडक्ट बहुत सूट करते हैं, या फिर जो चना है, भुना हुआ चना, भुना हुआ सींग, ऐसी चीजें खाने में जिनको बहुत आनंद आता है, रूखा सूखा खाने से जिनको अच्छा लगता है, और तेल घी ये खाने से जिन्हें तकलीफें ज्यादा होती हैं, वो इस तरह के कफ पित्त या फिर पित्त कफ वाले मिलेंगे।
ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा एसिडिटी की समस्या या नाभि के ऊपर की जो बीमारियां हैं वो उन्हें ज्यादा से ज्यादा देखने हमें मिल सकती है। तो जिन्हें एसिडिटी की या अम्ल पित्त की, जिन्हें खट्टी खट्टी ढकार आने की, ये सब समस्याएं ज्यादा होती, इस तरह के लोग जिनका पेट अच्छे से साफ हो जाता है उनकी कोई तकलीफ नहीं है, पर शरीर में हमेशा गीलेपन से जो लोग परेशान रहते हैं, इस तरह के लोग, अर्थात पेशाब भी ज्यादा होता है, पेट भी ज्यादा साफ होता है, पर पूरे शरीर में हमेशा पसीना होते रहता है या गीलापन बना हुआ रहता है, इस तरह के लोग जो बलवान है, अब जो जितनी भी मिक्स प्रकृतियां हैं, वात पित्त कफ वात या पित्त कफ, ये जो तीनों मिक्स प्रकृतियां हैं, इसमें जो पित्त और कफ वाले हैं या कफ और पित्त वाले हैं, ये बाकी दो के मुकाबले ज्यादा बलवान या ज्यादा उनका शरीर अच्छा दिखेगा, अर्थात शरीर, ऐसे लोग जिनका शरीर भरा भरा दिखता है, फूला हुआ शरीर हम कह सकते हैं, खास करके महिलाओं में, स्त्रियों में इस तरह का हम ज्यादा देखने मिलता है कि जो शरीर, जिनका चेहरा वेहरा ज्यादा सूजा हुआ, ज्यादा फूला हुआ दिखाई देता है, हो सकता है कि उनका वजन ज्यादा ना हो, फिर भी फेस जो है, शरीर का जो स्ट्रक्चर है, ये ज्यादा भरा हुआ फूला हुआ हम कह सकते हैं कि जैसे गुब्बारे में पानी डाल के, पानी वाला जैसा गुब्बारा होता है, पानी वाला गुब्बारा कैसे होता है, आप सभी ने बचपन में भरा होगा, तो वो छूने में सॉफ्ट लगता है, चिकना होता है और थुलथुला होता है, तो हम कह सकते हैं जो थुलथुले शरीर वाले लोग हैं ऐसे उनका स्ट्रक्चर होगा। ऐसे लोग जो शारीरिक व्यायाम ज्यादा कर सकते हैं उनकी शारीरिक फिजिकल ताकत बहुत अच्छी होगी, पर हमेशा एक तकलीफ उन्हें सबसे ज्यादा देखने मिलेगी, वो है गीलेपन की, कि थोड़ा सा व्यायाम करने के बाद भी वो थके ना हो, फिर भी वो पसीने से ज्यादातर परेशान मिलेंगे। या एक और लक्षण हमें ऐसे प्रकृति में देखने मिल सकता है कि ऐसे लोग जिनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, उन्हें जब घाव लगता है, कोई चोट लगती है, तो उनका घाव भरने में जो ज्यादा समय लगता है, या फिर बिना पस हुए, बिना मवाद हुए जिनका घाव नहीं भरता, जैसे कि मुंह में छाला हुआ या कहीं चोट हो गई, कहीं पे हल्का सा यहाँ पे कट हो गया, तो पहले वहां पे पस मवाद, पीला पीला मवाद होगा, इसके बाद ही वो घाव भरेगा, इस तरह के लोगों का जो शरीर है वो हम कह सकते हैं कि कफ पित्त या पित्त कफ वाला ज्यादा होता है। ऐसे लोग जिन्हें कड़वा स्वाद खाने में ज्यादा मजा आता है या कड़वा स्वाद खा के आराम मिला करेगा, पर मीठा, नमक या फिर खट्टा खाया तो जिन्हें तकलीफ ज्यादा हो जाए करेगी। आपने से कई लोगों को देखा होगा जो करेला बहुत मजे से खाते हैं, नीम बहुत मजे से खाते हैं, तो कई बार लोग देख के शौक होते हैं कि यार ये इतना कड़वा खाता है फिर भी इसको कुछ नहीं होता। तो ऐसे लोग जिनको कड़वी वस्तुएं खाने से शरीर को आराम मिलता है, अच्छा लगता है, पर अगर उन्होंने तेल वाली चीज खा ली या बहुत चिकनाहट वाली चीज खा ली, गर्म वस्तु खा ली, जैसे कि दही खा लिया, उड़द खा लिया, इस तरह की चीजें खाई जो कि नेचर में स्निग्ध भी है और गर्म भी है, तो उसे खाने से तकलीफ होने लग जाती है, ऐसे लोगों को हम कफ पित्त वाला या पित्त कफ वाले शरीर का मान सकते हैं। इन लोगों की, कफ पित्त वालों की या पित्त कफ वालों की, उनकी नींद बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि उन्हें नींद ज्यादा अच्छे से आएगी, दोनों कफ और पित्त जो बैलेंस रहते हैं। ऐसे लोगों के शरीर की धातुएं भी बहुत अच्छी रहती हैं, क्योंकि सभी धातुओं का ठीक से पोषण होता है अग्नि होने के कारण, कफ के कारण, तो जिनकी सभी धातुएं अच्छी हैं, शारीरिक बल अच्छा है, इस तरह के लोग, जिनको मुंह में बहुत ज्यादा लार बनती है, या ऐसे लोग जिनकी आवाज में मिठास होने के साथ तेजपन है, अर्थात कुछ लोग, आपने ऐसे दो तीन तरह की आपको ज्यादातर आवाज सुनने मिलती है, एक तो रुक्षता बड़ी, एकदम रूखी आवाज जो ज्यादातर वात वालों की होती है, अगर वात पित्त वाला व्यक्ति होगा तो उसकी आवाज कैसी होगी, रूखापन भी होगा और उसमें तेज हाई पिच भी होगा आपको देखने मिलेगा, पित्त वाला है तो हाई पिच या ऊंची आवाज देखने मिलेगी, कफ वाला व्यक्ति है तो धीमी आवाज और मीठी आवाज मिलेगी। अब कफ और पित्त का जब मिक्सचर होगा तो ऐसे लोगों की आवाज ये हो सकता है कि सुनने में थोड़ी सी तेज या मीठी आवाज लगाई दे, खास करके अगर कफ पित्त वालों का स्ट्रक्चर देखना है तो आपका कोई भी सीनियर पकड़ लीजिए, कोई भी बॉस पकड़ लीजिए, ज्यादातर ये जो बॉस या जो मैनेजमेंट में बड़े लोग होते हैं, आप देखिए उनका शरीर कैसे होगा, तो उनको पसीना ज्यादा आता होगा, शरीर ऐसे फूला सा हुआ होगा, आवाज में थोड़ा तेज होगा, हमेशा गीलेपन से परेशान रहेंगे, और कुछ तीखा तला खाने से जिनको एसिडिटी ये सब होने लग जाती है, ऐसे लोग जिनको चर्म रोग बहुत जल्दी होते हैं गीलेपन के कारण, जिनको फंगस इन्फेक्शन, इस तरह की समस्याएं ज्यादा होती है, या घाव लगने के बाद घाव जल्दी नहीं भरता, तो इस तरह के कुछ जो शारीरिक स्ट्रक्चर आप किसी व्यक्ति को इमेजिन कीजिए, उस तरह का कुछ शारीरिक स्ट्रक्चर कफ और पित्त वालों का हम देखने में मान सकते हैं।
तो कफ पित्त वालों के तीन चीज अगर आपको समझने में अभी भी प्रॉब्लम हो रही तो ध्यान रखिए, पहले सॉफ्ट कोमलम, दूसरा ऐसे लोग जो गीलेपन से बहुत ज्यादा परेशान है, हमेशा शरीर में गीलेपन की जिनको तकलीफ होती रहती है, और थुलथुला शरीर जिसे हम कह सकते हैं, अर्थात सूजा हुआ जो शरीर देखने मिलेगा, वो ज्यादातर कफ पित्त वाले या पित्त कफ वाले इस नेचर में शारीरिक रूप से देखने मिलेंगे। अब आगे वाले इसके वीडियो में हम बात करेंगे कफ और पित्त के जो मानसिक लक्षण या वो दिमागी रूप से कैसे होते हैं, और उसके बाद उसके अगले लेक्चर में उन्हें क्या क्या समस्या होती है और क्या क्या इलाज होता है। जैसे कि मैंने कई बार कहा है कि आयुर्वेद में मिक्स प्रकृति के बारे में कुछ भी खास डिटेल नहीं है, सिर्फ ऐसे कहा गया है कि उनमें मिक्स गुण मिलते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी तरफ से जितना आसान भाषा में आपको समझा सकूं, उसके बाद भी अगर आपके कफ पित्त से जुड़े हुए कुछ डाउट हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके आधार पे हम उस तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।